मैं तो स्तब्ध हूँ बिल्कुल सतीश कौशिक जी का समाचार सुन के, क्योंकि अभी 3 ही 4 दिन पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय चित्र साधना, जिसका फिल्म फेस्टिवल है 2024 फरवरी में, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे हम और वो ज्वाइंटली। और अभी अभी समाचार में सुबह पाया कि वो संसार में नहीं रहे। ये विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सतीश कौशिक जी ऐसे तो भारतीय सिनेमा के बहुत बहुत बड़ी शख्सियत है वो, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो भी भविष्य की बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहे थे। वो हरियाणा में फिल्म की जो संस्था है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे अभी, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के फिल्म नीति के तर्ज पे हरियाणा में भी फिल्मकारों को एक बहुत बड़ी सुविधा देने, सब्सिडी देने, इसके लिए एक योजना पे काम कर रहे थे, उसके अध्यक्ष बनाए थे सतीश कौशिक जी। और मेरी जब अभी 3 4 दिन पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भेंट हुई, तो बहुत सारी योजनाएं बता रहे थे सतीश कौशिक जी, और हमें भी इनवाइट किए थे। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था उनके कार्यक्रम में कि खट्टर साहब और सतीश कौशिक जी के निर्देशन में भारतीय सिनेमा को और फिल्म मेकर्स को एक बहुत बड़ा एक नया अध्याय खुलने वाला है। और आज वो अचानक सुनना, मतलब जिंदगी कैसे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तो ये एक बार फिर से हमको एहसास हो गया, क्योंकि मुझे इनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद आ रहा है। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मोक्ष के नाम से, और उसकी मैं कहानी उनको सुनाया तो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि मुझे अपना नंबर दिए और बोले कि आप इस पे जरा भेजो, मैं उसको देखना चाहता हूँ। कब किसको दिखाएंगे? तो शब्द ही नहीं मिल रहा है, लेकिन शायद यही जीवन का सच है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बहुत मुझे लगता है पिछले 3 4 दिन में जो उनसे मिले होंगे, उनमें से एक सार्वजनिक मीटिंग हमारी रही है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन सतीश कौशिक जी की जो जो उनके किए गए फिल्में हैं, उनके डायरेक्शंस हैं, उनका स्थूल शरीर भरे चला जाए, सतीश कौशिक जी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे।